धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति हो उद्धारकर्ता, महिमा हो पूरे सृष्टि के पालनहार, तारीफ हो तारनहार, बड़ाई हो आदर और सम्मान हो सृजनहार। धन्यवाद करते हैं जिंदा खुदा, त्रियक प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ, तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। लाखों लाख, कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो। हाँ, हमारे जीवन से आदर सम्मान हो, प्रशंसा हो। धन्यवाद करते हैं जीवन के मालिक, हृदय के राजा, मन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। जीवन जल, जीवन रोटी, जीवन ज्योति, प्रकाश किरण उज्याला प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति हो प्रभु, सत्य मार्ग और जीवन, जगत के ज्योति, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अस्तुति हो प्रभु, अस्तुति हो प्रभु, अस्तुति हो प्रभु, अस्तुति हो प्रभु। चंगा करने वाले, शांति देने वाले, विजय देने वाले, आपकी स्तुति करते हैं। शकेती से उद्धार करने वाले, संकट नामक महासागर से बाहर निकालने वाले, परीक्षा में स्थिर करने वाले और विजय देने वाले, मुसीबत में से बाहर निकलने के लिए सही मार्ग दिखाने वाले, दुख दर्द पीड़ा को खत्म करने वाले, हाँ खत्म करने वाले, हमें सुख देने वाले, हमारे जीवन में आनंद, खुशियाँ, हर्ष, उमंग भरने वाले, स्वर्ग और पृथ्वी के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा करते हैं प्रभु, तारीफ बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आज के आनंद में रात्रि के ये पल, ये सुनहरा अवसर आप हमें इसीलिए दिए हैं कि हम आपके दिए हुए आशीषों के लिए, किए हुए उपकारों के लिए, कामों के लिए, चमत्कारों के लिए, आश्चर्य कर्मों के लिए आपको धन्यवाद दें। हम आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करें, तारीफ करें, बड़ाई करें और आप से और भी आपके अनुग्रह महिमा को पा सकें। तो देख प्रभु, आपके दिए हुए आज के सुंदर शाम में, सुंदर संध्या काल में, आज के आनंद में, रात्रि के इस सुंदर समय में, पावन बेला, सुनहरा अवसर में, आपके हजूरी में हम हैं। आपके पांव पवित्र चरणों के निकट घुटने पे हैं, आपके आगे अपने हाथों को फैलाए हैं। हे प्रभु, हाँ धन्यवाद देते हैं जितने भी आशीष आप पे हमें दिए हैं, जितने भी उपकार हमारे ऊपर किए हैं, जितने भी काम कार्य, आश्चर्य कर्म, चमत्कार हमारे जीवन में आप किए हैं, उसके लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे प्रार्थना करते, विनती करते, दुआ याचना, हाँ प्रभु जी दुआ याचना करते हैं कि हम आपके और भी अनुग्रह और महिमा को अपने जीवन में आपसे चाहते हैं, आपसे मांगते हैं। अनुग्रह कर हमारे चाहत को, मांगों को पूरा होने दें। मेरे प्रियो, क्या आप हैं प्रभु के और भी अनुग्रह और महिमा चाहते हैं? अगर हाँ, तो प्रभु आपके ऊपर जितने भी उपकार किया है, आपके जीवन में जितने भी आशीषें दिया है, आपके जीवन में जितने भी काम कार्य किया है, आश्चर्य कर्म किया है, आपके साथ रह करके जितने भी चमत्कार किया है, उन सबों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी महिमा, प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई, आदर और सम्मान कीजिए। तो सच में आप पे प्रभु के और भी अनुग्रह और महिमा को पाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद।
धन्यवाद यीशु अनुग्रह का, दया का खुदा धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं। सहायता मदद गाइड कीजिए, संभालिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, तारीफ हो प्रभु, अनुग्रह कीजिए। पूरे दिन प्रभु आप पे संभाले हैं, ख्याल रखे हैं, देखभाल किए हैं, देख रेख किए हैं, पूरे रात भी संभालिए, ख्याल रखिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए। और प्रभु हमारे जीवन में जो आने वाला दिन है, कल है, उसमें भी प्रभु हमारा बचाव आपकी ओर से हो, आप हमारा ख्याल रखें, देखभाल करें, देख रेख करें, इसके लिए प्रभु जी, हाँ इसके लिए प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, दुआ याचना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए। हाँ आने वाले दिनों में भी हमें आपकी सहायता की, मदद की, गाइड की ज़रूरत है, आप हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए, अनुग्रह कर प्रभु। हाँ खुदा हमारे जीवन में जो आने वाला कल है, समय है, वक्त है, घड़ी है, उसमें भी हमें आपकी अनुग्रह की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है प्रभु जी, अनुग्रह कर। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु, सदा के लिए, हाँ हमेशा के लिए तू हमारे जीवन में आ। अनुग्रह कर खुदा, आपकी स्तुति हो खुदा, आपकी महिमा प्रशंसा हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर खुदा, धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के वचन को देखेंगे, आइए हम देखेंगे कि आज के शाम में, आज के सुंदर संध्या काल में, आज के आनंद में, रात्रि के इस सुनहरा अवसर, पावन बेला में, सुंदर समय में प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें क्या सिखाता है। मेरे प्रियो, जिस वचन को हम पढ़ने वाले हैं, जिस वचन के ऊपर हम मनन करने वाले हैं, वो वचन है नीति वचन की पुस्तक 23 अध्याय के उसका 13 और 14 पद, फिर 19 अध्याय के उसका 18 पद। मेरे प्रियो, नीति वचन 23 अध्याय के उसका 13 और 14 में लिखा है कि लड़के की तरना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अंधलोक से बचाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या लिखा है मेरे प्रियो, इसमें लिखा है कि अपने बच्चों की तड़ना न छोड़ना, उसको छड़ी से मारना। मारने से क्या होगा, तड़ना देने से क्या होगा, उसके प्राण को तू अंधलोक से बचाएगा, ऐसा लिखा है। लेकिन कब तक, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, अपने बच्चों की तड़ना कब तक करना है, कब तक उसको छड़ी लगाना है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, नीति वचन 19 अध्याय के उसका 18 में लिखा है कि जब तक आशा है। हालेलुया, कब तक तड़ना देना है अपने बच्चों को, कब तक छड़ी लगाना है, इसमें लिखा है कि जब तक आशा है। अगर तुमको ऐसा लगने लगे कि तुम्हारी तड़ना से, तुम्हारी छड़ी के मारे से अब बच्चों के ऊपर, बेटा बेटी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो लिखा है मेरे प्रियो कि उसको छोड़ दो, जानबूझकर मार मत डालना, उसको छोड़ देना। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो,
प्रार्थना से सब संभव है। प्रार्थना कीजिए, प्रभु सबों को चेंज करेगा, बदलेगा, सही मार्ग पर चलाएगा, सही शिक्षा देगा, सही बुद्धि व्यवहार स्वभाव देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो हमसे नहीं हो सकता वो प्रभु से हो सकता है। खुद प्रभु यीशु मसीह बोला है कि जो हमसे नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना से सब संभव है। प्रभु आपके परिवार में बदलाव को, चेंज को लाएगा, आपके बेटा बेटी को सही मार्ग पर चलाएगा, सही शिक्षा देगा, बुद्धि व्यवहार देगा, स्वभाव देगा, शुद्ध विवेक देगा, शुद्ध मन उत्पन्न करेगा, नई सिरे से आत्मा सामर्थ उढ़ेलेगा, सही दिशा में ले जाएगा, उसका मार्गदर्शन करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिससे कि आगे चलकर आपका बेटा बेटी अच्छे इंसान बने, आपके बेटा बेटी का फ्यूचर भविष्य उज्जवल हो, अच्छा बने। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन जो कहता है वही करना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो प्रभु का अनुग्रह मिलता रहेगा, उसकी दया हमारे ऊपर बना रहेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की शिक्षा और चेतावनियों में अपने बेटा बेटी का पालन पोषण करना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो। लॉर्ड जीसस, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, आपका आदर और सम्मान करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु, गाइड कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, अनुग्रह कर खुदा धन्यवाद करते हैं। स्तुति हो प्रभु, महिमा प्रशंसा हो, खुदा धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, इफिसियों 6 अध्याय के उसका 1-4 तक के वचन को पढ़ेंगे, तो इसमें लिखा है, बच्चों के लिए लिखा है कि अपने माता पिता का आदर करना। जो कोई अपने माता पिता का आदर करेगा, प्रभु प्रतिज्ञा किया है, वादा किया है कि उनके जीवन में भलाई के कामों को प्रकट करेंगे और उनके जीवन के वर्ष को अधिक करेंगे, यानी कि उनके आयु को लंबी करेंगे, उनको दीर्घायु देंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और माता पिता के लिए लिखा है मेरे प्रियो कि हे बाल बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिश्ना दिलाओ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लिखा है कि प्रभु की शिक्षा और चेतावनियों में अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते मेरे प्रियो। वचन को पढ़ते हैं, उसको अपने जीवन में लागू भी कीजिए, आपका जीवन आसान हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो प्रभु। धन्यवाद देते, अनुग्रह कर आज की प्रार्थना और वचन सब सुनने वालों के लिए प्रभु आशीष, सफलता और उन्नति का कारण ठहरा। सुख, शांति, समृद्धि, चैन, हर्ष, उमंग, आनंद का कारण ठहरा। अनुग्रह कर खुदा, धन्यवाद देते हैं सबों के जीवन में कार्य करने पर, चमत्कार करने पर, अद्भुत अनोखा काम करने पर अनुग्रह कर। दया करते प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सुनाश्री, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, तारीफ हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं, अनुग्रहकारी खुदा, दयालु, कृपयालु, अति करुणा में धन्यवाद देते हैं। स्तुतियों में वास करने वाले, महिमा में महान प्रभु धन्यवाद देते हैं। सहायता, मदद, गाइड कीजिए, संभालिए प्रभु, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए। पूरे दिन संभाले हैं, पूरे रात भी संभालिए, अच्छी मीठी नींद दीजिए। जितने बीमार हैं उन्हें छू करके चंगाई दीजिए। शैतान से ग्रसित है छुटकारा दीजिए। कर्ज मंजूर उनसे दबे हुए हैं प्रभु जी, स्वर्गीय भंडार को खोल दीजिए और उनके कर्ज महाजन लोन को भर दीजिए।
धन्यवाद इस अनुग्रह का, जो मैं बिजनेस में, व्यापार, खेती बाड़ी में, जो भी कारोबार है, जिनका जो कुछ का कारोबार है, उसमें आशीष दीजिए, ताकि वो लोग प्रभु अपने कर्ज माज और लोन को बहुत आसानी से भर सके, चुका सके। अनुग्रह कर खुदा सारे दिक्कत परेशानी से छुटकारा दे। घर परिवार में प्रभु शांति दे, परिवार में प्रेम भाव, एकता, मेल मिलाप की आत्मा दे प्रभु। जो गलत मार्गों पर है उनको गलत मार्गों पर से फेर दे। जिनको गलत लत, गलत आदत लग चुका है, नशे की लत, प्रभु उनको छू और चेंज कर दे। जो बात बात पर गुस्सा करते, क्रोध करते हैं प्रभु, अनुग्रह कर चेंज कर दे। स्वर्ग के पिता बदलाव को ला। जिनके अंदर अपने परिवारों के प्रति प्रभु जी नफरत है, क्रोध है, गुस्सा है प्रभु, प्रभु अनुग्रह कीजिए, प्रभु से नफरत, क्रोध को, गुस्सा को उनके अंदर से निकाल दीजिए और प्रेम, आदर, सामान भर दीजिए प्रभु। परिवार अनुग्रह का स्वर्गीय पिता सुखी से रहने पाए। जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं उन सबों का परिवार सुखी से रहने पाए। परिवार में शांति बनी रहे, चैन बनी रहे स्वर्गीय पिता, खुशहालता बनी रहे, बनाव बनी रहे। सहायता कर शैतान या दुष्ट करुण मनुष्य परिवार में फूट डालने ना पाए, परिवार को बिखरने ना पाए। जिनका परिवार बिखर चुका है फिर से तू समेट ले, खुदा धन्यवाद देते हैं। टूटे हुए रिश्ता को जोड़ दे, अनुग्रह कर प्रभु, सारी बिगड़ी को बना दे खुदा। अनुग्रह कर प्रभु, मानसिक तनाव को दूर कर दे, आर्थिक तंगी को दूर कर दे प्रभु जी, चिंता, टेंशन को, बेचैनी, घबराहट, व्याकुलता को खत्म कर दे, जीवन में चैन दे प्रभु, धन्यवाद देते, कामों में, काज में आशीष दे प्रभु। जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं स्वर्ग के पिता सुन रहे हैं और विश्वास के साथ प्रभु ग्रहण कर रहे हैं, हे प्रभु उनके बेटा बेटी को अपने छत्र छाया में पाल और पढ़ा। गलत लत, गलत संगति, गलत आदत से प्रभु, सारी बुरी बातों से, बुरी नजरों से प्रभु जी, तंत्र मंत्र की शक्ति, जादू टोना को, दुष्ट करुण मनुष्य, दुष्ट शैतान से बचा, हर एक हानि नुकसान से, चोट से बचा स्वर्ग के पिता। धन्यवाद यीशु, अनुग्रह कीजिए, दया कृपा प्रभु, तय कीजिए खुदा, धन्यवाद देते हैं। सब प्रभु आपके पनाह में रहे, सबों का परिवार आपके पनाह में रहे, छत्र छाया में रहे, ताकि सब सुखी से रहे स्वर्ग के पिता और आगे की रूप बढ़े, ऊँचे पर नियुक्त हो गए। अनुग्रह का स्वर्ग के पिता धन्यवाद देते वैवाहिक जीवन के लिए प्रभु। हाँ, शादीशुदा जीवन के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। वैवाहिक जीवन में, शादीशुदा जीवन में जितने भी लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव हैं प्रभु जी, गलत फहमियाँ हैं प्रभु दूर कर दीजिए। जो दूरियाँ हैं प्रभु नज़दीकी में बदल दीजिए। डिवोर्स होने से, तलाक होने से बचा ले प्रभु जी। टूटे हुए रिश्ता को, बिगड़े हुए परिवार को समेट ले, बना दे, जोड़ दे प्रभु। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो, सहायता कर खुदा, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं। जो अपने घर से निकले हैं पर अभी तक लौटे नहीं हैं, अपने घर आए नहीं हैं, जहाँ कहीं पर भी वो हैं स्वर्गीय पिता प्रभु, उनसे बातें कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी, और उनको घर को ला स्वर्गीय पिता, उनको उनके घर को ला। धन्यवाद इस अनुग्रह कर, आपकी स्तुति हो, महिमा हो स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति हो, सुख शांति समृद्धि सबों को दे, घर परिवार में आशीष सबों को दे। धन्यवाद यीशु, आप पे हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुने प्रभु जी, हमारे दुआओं को सुने स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बढ़ाई करते हैं, आदर और सम्मान करते हैं। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु, पेट के दर्द से प्रभु, सिर के दर्द से, जोड़ों के दर्द से, घुटनों के दर्द से, मसूड़े के दर्द, सूजन से, पूरे बॉडी के दर्द सूजन से, रोग बीमारी से छुटकारा दे। पैर के तलवे से लेकर सिर के चोटी तक एक एक अंग प्रभु जी रोग बीमारी से स्वतंत्र हो जाए, शैतान से स्वतंत्र हो जाए। अनुग्रह कर पाप से, श्राप से प्रभु जी स्वतंत्र हो जाए, दुष्टता के काम से प्रभु स्वतंत्र हो जाए प्रभु, नाश होने से बच जाए प्रभु जी, बर्बाद होने से, बिखरने से प्रभु, खराब होने से बच जाए। सहायता कर खुदा, धन्यवाद देते आपकी स्तुतियों। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय हमें दिए हैं प्रभु, अनुग्रह कीजिए उनके प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय को हम आपके हजूरी में रखते हैं प्रभु, उस पर दृष्टि कीजिए और उत्तर हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सबों का विश्वास आपके ऊपर अटल बना रहे। धन्यवाद कि आप हमारी प्रार्थना को सुने, हमारे विनती दुआ याचना को सुने और प्रभु ग्रहण करके उत्तर हाँ आमीन में दिए, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। सहायता मदद गाइड कर दीजिए प्रभु जी, जितने इस प्रार्थना में शामिल है वो सब प्रभु जी पूरी रात अपने बिछौने में निश्चित सोए, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी
डाली ना हो, डरावना बुरा सपना ना आए, शैतान अटैक ना करे, शत्रु अटैक ना करे, स्वर्गीय पिता बुरी नजरे तंत्र मंत्र की शक्ति साधु टूना सफल ना हो, कि प्रभु सब प्रभु अच्छे से स्वयं सबों को सुख शांति चैन की नींद देना, अच्छी मीठी नींद देना, सुकून भरी नींद देना, जो नींद की दवा खाते हैं प्रभु जी अनुग्रह कर स्वर्गीय पिता बिना दवा के अच्छी मीठी नींद प्रभु उन्हें तू दे, धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता, जो बच्चे प्रभु रात में सो नहीं पाते, बहुत रोते हैं चिल्लाते हैं, उनको भी तू अच्छी मीठी नींद दे, जो प्रभु जी बहुत से बातों को लेकर सोचते हैं, चिंता करते हैं प्रभु, डिप्रेशन में रहते हैं प्रभु, उनके ज़्यादा सोच को प्रभु जी, चिंता को प्रभु जी और डिप्रेशन को खत्म कर दे, फालतू सोच से छुटकारा दे प्रभु, ताकि सब प्रभु अच्छे से सोए, सुख शांति चैन की नींद सब पे पाए स्वर्गीय पिता, अच्छी मीठी नींद सबों को आए, सुकून भरी नींद प्रभु सबों को आए, सहायता करना मदद करना स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, सहायता मदद गाइड कीजिए खुदावन, धन्यवाद देते अनुग्रह कर, धन्यवाद करते प्रभु अनुग्रह कीजिए, धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, इसे सुंदर शाम के वक्त जितने जन जितने लोग प्रभु जो कुछ के लिए प्रभु जी आपके सामने घुटना टेके हैं, आपके आगे अपने हाथों को फैलाए हैं प्रभु जी, उनके जीवन में काम कीजिए, वो सभी चीज़ें उन्हें दीजिए स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते जरूरत की चीज़ें, आवश्यकता की चीज़ें प्रभु, जीवन की कमी घटी की चीज़ें स्वर्गीय पिता उनको बहुत ऐसे दीजिए, धन्यवाद यीशु अनुग्रह कर, धन्यवाद करते हैं कि आप पे हम सबों के सुने प्रभु, ग्रहण किए प्रभु और उत्तर भी हम आमीन में दिए, इसके लिए प्रभु जी तहे दिल से लाखों लाख कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं स्वर्ग का परमेश्वर आमीन 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 लॉर्ड जीसस आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, रोज डेली हाँ प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए, और अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं, हम आपके कमेंटों को पढ़ते हैं और आपकी देवी प्रार्थना निवेदन प्रभु की हजूरी में रख कर प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं, विश्वास कीजिए उसका उत्तर आपको हाँ आमीन में ज़रूर मिलेगा, प्रभु आपके दिए हुए भेजे हुए प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय का उत्तर जवाब आपको हाँ आमीन में जरूर देगा, क्योंकि प्रभु खुद बोला है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। कल सुबह 4 बजे की प्रार्थना को जरूर रिसीव करना, कल सुबह 4 बजे की प्रार्थना में जरूर शामिल होना और जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना, अगर आपके द्वारा कोई अपना मन प्रभु की ओर फिराता है, उधार पाता है, अपने अंदर चेंज को ला करके, बदलाव को ला करके उधार पाता है, तो उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुरे नाम में जय मसीह।